फिल्म आरआर के डायरेक्टर एसएस राजमौली को हो सकती है 6 महीने की जेल। दरअसल फिल्म बाहुबली और बाहुबली 2 के बाद फिल्म आरआरआर से धमाल करने वाले एसएस राजमौली ने एक बार फिर से सबका दिल जीत लिया। दरअसल 25 मार्च को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई फिल्म RRR ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2 दिन की कमाई की अगर बात की जाए तो फिल्म ने 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। ऐसे में फिल्म को लेकर कई सारी आलोचनाएं हो रही है। राशिद खान ने राजमौली के लिए ट्वीट की बौछार कर दी। जी हाँ, बता दें कि RRR फिल्म देखने के बाद जहां लोग उस फिल्म की तारीफ कर रहे हैं तो वहीं KRK ने फिल्म को लेकर अलग ही रिएक्शन दिया। कमाल राशिद खान ने अपने ट्वीट में लिखा है, कोई सिर पैर नहीं है, पता नहीं लोगों को क्यों पसंद आ रही है। कमाल राशिद खान यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा है कि ये फिल्म बिना दिमाग की है, ऐसी फिल्म इतिहास में कभी नहीं बनी, बेहद ही रद्दी फिल्म है, ये भारत की बनी अब तक की सबसे बकवास फिल्म है। KRK ने आगे लिखा है कि मैं इस फिल्म को 0 स्टार देता हूं। कमाल राशिद खान ने कहा है कि राजमौली ने बड़ा क्राइम किया है। कमाल राशिद खान ने यह भी कहा है कि 600 करोड़ की बजट से बनी बिल्कुल बकवास फिल्म है। एसएस राजमौली को कम से कम 6 महीने की जेल की सजा होनी चाहिए। कमाल राशिद खान की बात को कोई भी एक्टर या डायरेक्टर सीरियस नहीं लेता है। यूजर्स की माने तो कमाल राशिद खान को आलोचना करने की आदत सी है। तो ये है पूरी खबर जहां पर एसएस राजमौली को जेल जाने की और भेजने की बात खुद KRK कर रहे हैं। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट।